तो तुम्हें क्या लगता है बालवीर कि वो अमृत जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो इसमें है? तो ये लो। असली और नकली की पहचान तो ये फल छिनकर ही मालूम होगा। हाँ रुको, काल लोक में मेहमान नवाजी भी की जाती है बालवीर। तुम तकलीफ मत दो खुद को, आखिर कब तक लड़ेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, ये फल तुम ले लो, लो। बालवीर इसकी तुम्हें जरूरत है, तुम्हें मस्ती परी को बचाना है, खुशी को बचाना है, बाकी लोगों को बचाना है। बहरानी, आपने हमारी जीत का तोहफा इतने आराम से इसको दे दिया, क्यों? अरे भगवान ने तुम्हें अकल का तोहफा दिया होता तो तुम ये सवाल ही नहीं पूछते। अगर तुम्हें लगता है कि इन बचकानी हरकतों से तुम मुझे भ्रमित कर सकती तो ये तुम्हारा वहम है। वहम में तो तुम जी रहे हो बालवीर, जो इस सोच में डूबे हो कि कौन सा फल असली है, ये फल असली है, वो परिया जो फल लेके गई वो असली है, कौन सा फल असली? आखिर कैसे करोगे तुम मस्ती परी और खुशी को ठीक, इलाज कैसे ढूंढोगे उनका? यहाँ पर काल परी, तिमनासा के दोनों चमचे, खुद तिमनासा भी है, लेकिन भयमार कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं मुझे और परियों को यहाँ भटका कर पृथ्वी पर तिमनासा भयमार की मदद से कोई चाल तो नहीं चल रही? मम्मी, करुणा जी, करुणा जी, बात मेरी गलती की वजह से हुआ है। मम्मी देखिए, करुणा जी, मम्मी रुक जी, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मम्मी नहीं विवान, हर बार की तरह अपने ऊपर इल्जाम लेने की कोशिश मत कर। मुझसे ही कोई पाप हुए होंगे जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है करुणा जी। तो कैसा है विद, कैसा है? मैं भगवान के पास जा रही हूँ, उनसे प्रार्थना करूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। नहीं करुणा जी, और हो सका तो मैं अपनी जान के बदले अपनी बेटी की जान की भीख मांगूंगी, लेकिन अपनी बेटी को ठीक करके रहूंगी। नहीं मम्मी, कुछ नहीं होने दूंगी। नासा ने मुझे जिस मकसद से भेजा है, विवान की मां की बलि तो देनी ही पड़ेगी। परी, प्लीज कुछ कीजिए ना। मम्मी, अब दो अग्नि परीक्षा अपने भगवान को, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो तुम्हें बचाने आएगा नहीं, लेकिन ये अग्नि परीक्षा पूरी होने तक काल लोक का बहुत बड़ा फायदा हो चुका होगा। परी, तेरी बनाई हुई कलाकारी में अड़चन मत बनो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो विवान की मां का होने वाला है। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं सच बोल रही हूँ? सच बोलना तुम्हारी फितरत में नहीं है। हो सकता है, लेकिन तुम्हारे इसी नजरिए का फायदा उठाकर हो सकता है मैं तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही हूँ बालवीर।
या हो सकता है ये झूठी तिमनासा तुम्हें सच बोल रही हूँ ताकि तुम्हें झूठ लगे। सोचो सोचो, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये पल असली है कि वो पल असली है जो परियां नहीं दी। जल्दी, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कैसे बचाओगे उन लोगों को, मस्ती परी को, खुशी को? तुम मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हारा सेनापति भयमार यहां तुम्हारे साथ होता। मम्मी, मम्मी संभल गए। मेरे पास तो शक्तियां भी नहीं बची है, मैं मम्मी को कैसे बचाऊंगा? मम्मी संभल के। रुको विवान। मम्मी, मम्मी मम्मी अब दिख तो ना। तिमनासा की योजना का अगला कदम पूरा। पटल, अगर आपने मेरी सारी शक्तियां नहीं छीनी होती तो मैं चैलेंजर जादू का इस्तेमाल करके मम्मी को बचा लेता। पहले दीदी के साथ ऐसा हुआ और अब मम्मी के साथ भी। हम सब ठीक कर देंगे पार्टनर, चिंता मत कर। पार्टनर नहीं हूँ मैं आपका पार्टनर, ये सब आपकी की बात सुन सुन कर हुआ है। विवान, मैं वादा करता हूँ तुमसे, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे, चिंता मत कर, किसी को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और वो कैसे करोगे तुम? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इसका कोई तोड़ है। तोड़ तो क्या, तुम्हें तो तोड़ की कोई भनक तक नहीं है। क्यों विवान को झूठी तसल्ली दे रहे हो बालवीर? बता क्यों नहीं देते तुम विवान को कि तुम अभी अभी काललोक से खाली हाथ लौटे हो? यहां से दफा हो जाओ तिमनासा। दफा तो मैं हो जाऊंगी बालवीर, लेकिन उससे पहले मुझे विवान से कुछ बात करनी है। तो बताओ विवान, जब तक बालवीर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया था तब तक तुम खुश नहीं थे अपने दादाजी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, और अब देखो। बच्चे को भड़काने की कोशिश मत करो। भड़का मैं नहीं बल्कि तुम रहे हो इसे बालवीर बनने का सपना दिखाकर। और बदले में तुमने उसे क्या दिया? छोटी मोटी जादू शक्तियां, वो भी तुमने उससे छीन ली। तुम्हारा असली दुश्मन मैं नहीं विवान, बालवीर है। अपनी बकवास बंद करो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बकवास बंद करूं? अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम विवान के सच्चे दोस्त हो तो उसे बालवीर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो।
मिटा दो उसके माथे से वीर तिलक, हटा दो उसके हाथ से वीर चिन्ह। और मैं वादा करती हूं तुम्हारी मां और तुम्हारी बहन को ठीक कर दूंगी पहले की तरह। क्या सोच रहे हो? इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास सोचने का, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा वक्त चाहिए तो ठीक है, दिया। आज शाम तक का वक्त दिया मैंने तुम्हें, और अगर तुमने देरी कर दी तो वादा है मेरा तुम्हारी मां और बहन कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो हमेशा पत्थर के बने रह जाएंगे, और उसके जिम्मेदार तुम होगे बालवीर। भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, क्या किया है आपने? उस बालवीर को तो आपने बिल्कुल उसमें छोड़ दिया, असमंजस में। इधर जाओ, उधर जाओ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भैरानी, जब आप बालवीर को खाई में धक्का दे सकते थे तो आप उसे कुआं और खाई के बीच में छोड़कर क्यों आई? हाँ तिम्नासा, तुम चाहती तो बालवीर से आत्मसमर्पण करवा सकते थे, फिर तुमने सिर्फ विवान की शक्तियां क्यों वापस मांगी? भैमार बालवीर थोड़ा अलग है, वो अपनी भावनाओं से ज्यादा अपने फर्ज को अहमियत देता है। मैं अच्छे से जानती थी कि वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। लेकिन विवान को हटा देने के बाद भी तो बालवीर कोई नया उत्तराधिकारी ढूंढ सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत ही टेढ़ी चाल चली है। इस बार बालवीर से मैं नहीं बल्कि विवान खुद लड़ेगा, और उन दोनों की लड़ाई में कोई भी हारे। जीत तो मेरी ही होगी। अब हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें तिम्नासा से लड़ना ही होगा। विवान, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां वापस दे रहा हूं। नहीं नहीं जी, मुझे अपनी शक्तियां वापस, मुझे बस अपनी मम्मी और दीदी वापस चाहिए। लेकिन विवान, उसके लिए तुम्हें तिम्नासा से लड़ना होगा, उसके बिना तुम करुणा जी और खुशी को कैसे बचा पाओगे? पार्टनर, आपको याद है वो तिम्नासा की शर्त? वो शर्त नहीं है, वो उसकी चाल है, उसकी चाल में मत फंसो। तो मैं क्या करूं? दीदी और मम्मी को खो दूं? नहीं बालवीर, नहीं, हम प्लीज तिम्नासा की वो शर्त मान जाओ। नहीं, मैं तिम्नासा को जीतने नहीं दे सकता। तो क्या मैं आपकी जीत के लिए मम्मी और दीदी को खो दूं? विवान, कसम खाई थी तुमने कि तुम बालवीर का फर्ज निभाओगे और पूरी दुनिया की रक्षा करोगे। बालवीर होने का फर्ज हमेशा अपने स्वार्थ से बड़ा होता है विवान। नहीं होता है, मैं सेल्फिश हूँ। आपको मान बन रहे तो बनो, लेकिन मुझे जाने दो। अब विवान को रोकने का एक ही तरीका है, मुझे खुद पत्थर की मूर्ति बनना होगा। विवान, बालवीर की बात समझो। नहीं विवान, हम तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकते। तो क्या आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? हाँ विवान, लगता है शक्तियाँ देने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चाहती है तिम्नासा, जब जंगल में आग लगती है विवान, तो किसी भी परिंदे का घोंसला सुरक्षित नहीं रहता है। हो सकता है विवान कि आज तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिल जाए, लेकिन तिम्नासा के उस कहर से जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही होगी, फिर कब तक बचाते रहोगे अपने परिवार को? पानी परी,
तुम वीर लोग जाओ, शौर्य को खबर दो के यहाँ पर क्या हुआ है और आगे हमें करना क्या है। ठीक है भाई परी। पानी परी, मैं भी आपके साथ वीर लोग चलूंगा। ठीक है। शौर्य, एक बहुत बुरी खबर है, बालवीर भी पत्थर की मूर्ति पे तब्दील हो चुका है। क्या? ये कैसे हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ। पार्टनर मुझे समझा रहे थे कि मुसीबत के समय हम सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए, ना कि अपनी अपनी प्रॉब्लम पकड़ के बैठना चाहिए। लेकिन मैं इतना सेल्फिश हूँ कि हम क्या करेंगे शौर्य? ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी शक्तियां वापस दे दीजिए, प्लीज। लेकिन विवान, तुम अकेले तिमनासा का सामना नहीं कर सकते। जैसे एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो वो उसे हरा सकती है, और अगर वैसे ही शेर सर मुझ पर एक बार भरोसा कर मुझे अपनी शक्तियां वापस दे दे तो मैं भी तिमनासा को सबक सिखा सकता हूँ। उजाला होने के पहले ही सबसे घना अंधेरा छाता है। विवान, तुम भी कुछ देर पहले स्वार्थ के घने अंधेरे में थे, लेकिन अब तुम्हारी समझ में आ चुका है कि उंगलियां जब साथ मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। मुट्ठी नहीं, मुक्का शेरचर मुक्का, और ऐसा मुक्का जो तिमनासा के घमंड को तोड़ देगा। लेकिन विवान, हम तिमनासा को हराएंगे कैसे? अभी तक हमें उस जादुई फल का कोई तोड़ नहीं मिला है। तिमनासा ने मेरे इन हाथों को हथियार बना के फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब देखते जाओ परी हो, अपने यही हाथ तिमनासा के ऊपर हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगा। हमारा पासा एकदम सही पड़ा तिमनासा। बालवीर के आदर्शों और विवान के स्वार्थ की लड़ाई में जीत हमारी हुई है। बन गया बालवीर भी पत्थर की मूरत। मूर्तियों की रखवाली तो ये वायु परी कर रही थी, पर अफसोस ये खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पाई। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने मुफ्त में मुसीबत मोड़ ली है। ताल्लुक में इतनी ऊंची आवाज पसंद नहीं है मुझे। तिमनासा, अब बचा वो विवान और तीन परिया, उनका क्या करना है? दल से बुलाया, बालवीर आया। तुम लोगों को जो करना था कर लिया, अब आगे जो करना है वो हम करेंगे। लगता है तुम अपनी माँ और बहन को जिंदा नहीं देखना चाहते। सिर्फ मम्मी और दीदी नहीं, मुझे पार्टनर और मस्ती परी भी चाहिए, और मैं उन्हें तुम्हारे सामने से वापस लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो बचवा लुप्त कर देगा। चल 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 चल, चल।
कुछ काम नहीं आने वाला विवान, लेकिन मेरा जादू काम जरूर करेगा। लेकिन मुझ पर तो चलेंगे ना। लुको। मैं तो यहां हूं। कब तक बचेगा रे? कब तक? तिम्नासा, बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास? या फिर और भी है? और ये था छोटा मोटा चल अचल जादू।